बोली श्री रामचंद्र भगवान के श्री बाल कृष्ण लाल के सदगुरु महाराज के जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पांचवी रात्रि श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में रेडियो रिश्ते का ये कार्यक्रम आपके बीच में आ रहा है। मैं पुनः एक बार हर रात्रि की तरह आप सबको भव्य स्वागत करता हूँ। एमडी महोदय जी शिविर सिद्धांत लाल आपको, हमारे ऑपरेशंस मैनेजर सेल शर्मा जी आपको, और हमारे मीडिया रिलेशंस कम्युनिकेशंस मैनेजर माधव पिल्ले जी आपको, और हमारे प्रकाशवती सिंह जी और राम जी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जयंती बड़ियाची जी और निम्र पठान जी, जसमिन खान आपको भी हमारे आरजेस, आप सबको बहुत बहुत रेडियो रिश्ते के इस राम कथा नवमी के उपलक्ष्य में आज पांचवी रात्रि में प्रवेश करती हैं। मैं अपने साथी नमन स्वामी तबले पर और हमारे साथ में मंजीरा पर सुवनेश चति, इनको हम आज पुनः अपने साथ में लेते हुए हमारे स्टूडियोज में हमेशा की तरह जिस भ्राता श्री भैयाउत्तम चंद जी, भाभी श्री सरोज जी और हमारे मास्टर शंकरन जी और टीचर सुमित्रा जी, आप दोनों का पदार्पण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में अंजना जी हमेशा की तरह हमारी आ जाती हैं और उनका भी, और उनके बहू जी मोरिन आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सुदेशन जी, आशा है आपकी मीटिंग ठीक गई कल, धन्यवाद आप आए, आपका दर्शन पाए, माँ जी आपको प्रणाम है। आइए हम विनम्रता करते हुए, मैं अपने पूज्य माता श्री की चरणों को बार बार विनती करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। स्वर्ग पिताश्री के भी चरणों को मेरा स्वर्ग में उनको वंदना है। साथ में अपने गुरुदेव भगवान तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में विश्व शांति आश्रम पर बैठे हम सबका अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे स्वामी श्री लक्ष्मण दास जी महाराज, आपको चरणों को मेरा बार बार प्रणाम है। और हम अपने बड़े ही निकट के बड़े प्रेमी, जिनको बड़ा स्नेह है हम पर और मैं, उनको भी बहुत बहुत आदर करता हूँ। हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे प्रेम मूर्ति संत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। संपूर्ण जितने भी आश्रम के हमारे सदस्य हैं, ये भागवत कृपा सेवा आश्रम का मैं संरक्षक हूँ, मैंने पैटर्न हूँ, और इस नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि भागवत कृपा सेवा आश्रम का जो कार्य है बहुत बहुत तरीके से चल रहा है। और मैं आज कुछ वीडियो भी देखा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि बस रंग रोगन का काम चल रहा है और शीघ्रता के साथ में आश्रम का भव्य ओपनिंग भी हम लोग उद्घाटन करने वाले हैं। धन्यवाद है पुनः एक बार आप सबको। चले हम ना देर करते हुए सभी को ही करबद्ध हो जाएंगे हम और हमारे स्पॉन्सर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के सावित्री देवी जी। सावित्री देवी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सारे कमेंट्स में पढ़ रहा था कल भी, और लोग आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके माध्यम से ये ग्लोबली ये कथा पहुंच रही है दुनिया में। सब बहुत सारे लोग सराहना किए कल, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। पुनः एक बार आपको धन्यवाद है स्पॉन्सर के लिए। और मैं विनोद राणिका जी आपको धन्यवाद करता हूँ, आप कल शेयर किए हैं, क्षमा करना मैं आपको देखा नहीं था, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत भव्य स्वागत है पुनः आज रात्रि पांचवी रात्रि में। और साथ में मिथिलेश प्रसाद भैया जी, आपको मेरा टेक्स्ट मिल गया अभी दो मिनट पहले, धन्यवाद है। पांचवी रात्रि व्यक्ति प्राइज पर आप इसको शेयर करते हैं और सतीश भैया जी सराहना करते हैं इसको। साथ में हमारे जितने मॉडरेटर्स हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है भक्ति पेज को, जिनका मैं भी एक मॉडरेटर हूँ, इस कारण से भक्ति पेज के माध्यम से आपके बीच में
जितने लोग हैं 16,000 लोग हमारे इस पेज के समर्थन करते हैं, उनके मेंबर हैं, तो कई लोग इन भक्ति पेज के साथ में भी जुड़ते हैं। आइए सबको पुनः एक बार स्वागत करते हुए चले हम अपने हाथ को जोड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान श्री के चरणों को और भगवती जगत जननी मैया सीता के चरणों को, साथ में हमारी श्री हनुमान लाल जी उनको बहुत 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 चरण वंदना करते हुए उनके उनसे क्या मांगे हम बस राम भक्ति मांगे और क्या मांगे उनसे। चले भाव से बोले ओम स्वस्त श्री गणेश। श्री Thank you.
नंगे पांव पृथ्वी पर पैर भी नहीं रखा, तो ये कंटक वन में कैसे आप चले? स्वर विचार करने जैसी बात है। लेकिन मां सीता जी की जो राम जी के पति उत्तर था ना, सुनने जैसी है। यहां तक मैं कहूंगा इसको हर एक नारी, व्याहता नारी अपने जीवन में इसको पकड़ ले। और जिनके विवाह नहीं हुए ना, वो भी इस मार्ग को अपनाने की विशेष विशेष कोशिश करें, प्रयास करें। मां जी ने कहा जैसे शरीर से प्राण निकल जाता है और एक नदी में पानी सूख जाता है, वो शरीर बेकार हो जाता है, प्राणहीन शरीर को जला दिया जाता है। और जो नदी सूख गई हो इसको नदी नहीं बोलते। जिया बिनु देह नदी बिनु पारी, कैसे बिनु नारी। इस आदमी के बिना नारी का यही हालत होता है। कैसे पुरुष लेकिन ये श्री गोसाई तुलसीदास जी महाराज के उस युग की कथा है। जब लोग की सोच बहुत छोटी होती,
आप थोड़ा सा विचार करें इस पर। आज के दौर में ये बात नहीं रही। आज एक नारी स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, उसमें वो आत्मबल है। तो जो माताएं, जो बहने, जो देवियां मां सीता का अनुसरण करती हैं, मां सीता का पूजन करती हैं, मां गौरी का ध्यान करती हैं, उनको जीवन में कोई कष्ट नहीं। शास्त्री भी कल व्यस्त है, संतों की सभा लगी हुई थी और आप एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं और आप भी इस संत सभा में गए थे, तो देर से आप आए और जुड़े और आपने जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं आभारी हूं। आप हरी से क्या मांगा? देवर्षि रावत मोरे नाम को याद है, सुंदरता मांगा, क्योंकि वो विश्व मोहिनी करने पर मोहित हो गए और ये देव ऋषि नारद का कोई इसमें न। शंकर भगवान ने क्या कहा था? कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूढ़ नहीं, जिसको जब श्री राम जैसा चाहते हैं वो वैसा बना देते हैं। सिंपल प्रेयर, ये चौपाई सीख लो बेटा, जैसे मेरा कल्याण हो, जिस रास्ते से भी मेरा कल्याण हो, हे नाथ आप वही करो और शीघ्रता के साथ करो। वही नारद ने मांगा, जे ही विधि नाथ हुई हित मोरा करम सुबे।
जवाब दिया। निज माया पल नारद जही विधि हुई है परम हित, हित नहीं परम हित। नारद सुनाहु कुमार सोई हम कर बना आन कछु बचन सपोरे माया के वशी भूत है अन्यथा नारद तो भैया उत्तम जी भगवान क्या कहते हैं गीता श्री में मुनियों में मैं देव ऋषि नारद हूं जैसा बात कर रहा है समझे नहीं हरि गीरा निगूरा हरि के वचन को समझ नहीं पाया सुंदर विश्व मोहिनी कन्या का स्वयंवर है। स्वयं का मतलब अपने, वर का मतलब है दूल्हा। सेल्फ चूजिंग योर ओन दूल्हा, यही तो। सीता जी वाला अलग था, वो तो धनुष यज्ञ था, जो तोड़ेगा उनके गले में जय माल ये सीता डालेगी। लेकिन यहां शिरनिधि की कन्या विश्व मोहिनी जब आएगी तो वो देखेगी घूम फिर करके अपने मन पसंद वर को चुनेगी, जय माल उनके गले में डाल देगी, वरमाला क्षमा करना जय माल ने वरमाला उनके गले में डाल देगी। तो नारद जी क्या सोचा,
भाई हम तो हरि के रूप पाए हुए हैं, अब मुझसे ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं इस सभा में। तो हम ऐसे करते हैं, देवी जी को बहुत लंबा चलाएंगे नहीं, नजदीक वाला जो लाइन ना वही बैठ गए। अब यहां तीन बातें हैं, हमारे गांव के बड़े प्रसिद्ध भजन गायक व कथावाचक मेरे पास के पड़ोसी स्ट्रीट में हमारे छोटे भाई शशिकांत सिंह का पदार्पण आज हमारे स्टूडियो में हुआ है। शशि भैया आपको मैं स्वागत करता हूं। लेकिन गड़बड़ हो गया, तीन बात है। नारद सोच रहा है क्या कि हमें तो श्री हरि का रूप मिला है, मैं तो अति सुंदर हूं, मुझसे ज्यादा कोई और हैंडसम है नहीं। और जो बड़े बड़े राजा लोग आए थे उनको सबको देवऋषि ऋषि ही लग रहे, मुनि लग रहे, तो सब ने प्रणाम किए। अब जब कन्या ही है तो सब गड़बड़ हो गया। लेकिन उनके आने से पहले शिवजी बाबा के भेजे हुए दुर्गण है नारद जी के पीछे बैठे, और नारद जी तो भूले नहीं समा रहे और भी सीना तान करके बैठे। अब नारद मुनि है भैया, वो तगड़े उगड़े तो हैं, लेकिन प्रभु उनकी भुजा तो बहुत विशाल है, प्रभु की भवें कितने सुंदर है, प्रभु के बाल कितने सुंदर है, घुंघराले बाल है प्रभु के, प्रभु के गले में कस्तुक माला है जिसको देख करके सारा संसार मोहित होता है। लेकिन ये देव ऋषि वैसे नहीं है, बिल्कुल वैसे नहीं है, क्षमा करे देव ऋषि नारद। निज निज आसन बैठे राजा बहु यही कर बैठे हैं देव ऋषि नारद। पूज्य चंद गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, दोनों ने रुद्र के दो गण इतने प्रशंसा किए, विवाह क्या रूप पाया, और नारद तो और पूरे में सवार है। और जब विश्वमोहिनी कन्या आई है अपनी सखियों के साथ में वरमाला लेकर के, तो तीसरा रूप का प्रदर्शन होता है। और तीसरा रूप क्या है, वही देव ऋषि नारद का पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैंने कह रहा हूं, मैं नारद के विषय में ऐसे नहीं कह सकता, मैं पढ़ रहा हूं जो तुलसीदास जी ने लिखा है। उसने लिखा क्या, स्वरूप
प्रेस कर दिया। मर कटे वाला ना भयंकर दे एकदम बिल्कुल खटूस बंदर मरकट वाला दे और भयंकर दे शायद क्षमा करें। आप कितने तरह के बानर देखे होंगे हनुमान जी बाबा तो बहुत अच्छे लगते देखने में। हनुमान जी बाबा तो बहुत प्यार लगते हैं लेकिन ये बंदर बहुत भयंकर लग रहा देखने में। मरकट देख भयंकर देख और देखती नृप कन्या को क्रोध आ गया बिल्कुल गुस्सा गई। और जब कोई कुमारी लड़की किसी नौजवान को देख करके गुस्सा आ जाए मोरिन सबसे यंग आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं। एक बार ताकोगी ना ब्रो मुंह इधर कर लोगे फिर ताकोगी उसको ऐसा तो होगा चीजा जी अपने समय की बात करो। लेकिन मास्टर जी ऐसे नहीं तो मास्टर जी तो बात श्री राम जी के रूप है वो आए भाभी श्री सरोज जी भैया भी हमारे काम हैंडसम नहीं था लेकिन यहाँ घर पर है सब कुछ आज जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे हैं उस पंक्ति को बिल्कुल छोड़ दिए सर उस तरफ देखी तक जय ऋषि नारद भूनी सो ऋषि के ही ना बिलो कहीं भूनी भूल करके भी उस दिशा में देखेंगे नहीं। और तभी चराचरपति जगतपति जगत नियंता जगदाधार कृपा सिंधु भगवान श्री रमापति एक सुंदर राजकुमार के रूप में आए सभा में उनकी एंट्री हुई। अरे भाई विवाह का प्रसंग है तो धुन को विवाह में होना चाहिए ना। अंजना जी जब आप पहन थी ना तो ऐसे धुन बजे तो आप जरूर उठ करके थोड़ा सा झुमका लगा लो जैसे मैं बैठ बैठ करके नाच रहा हूँ। अब मैं खड़ा होकर के नाच तो सकता नहीं था हरुणी अलग चली जाएगी इसलिए मैं बैठ कर नाच करता। लोग कहते हैं भैया बैठ करके नाच लेते मरे भगवान ने कला दे दी मुझे बैठ करके नाचने वाला। अब देखो नमन बैठा था तबला बजा रहे हैं कैसे बैठ कर नाच रहे हैं। और गले में जयमाला डाल दिया तो क्या हुआ दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा दुल्हन ले गए
निरप समाज सदा भयहु राजा, निरप समाज सदा भयहु राजा। अब जब ले गए दुल्हन को तो सभा खाली सुनसान हो गया, सब राजा महाराजा लोग दुखी। आप विचार करना, जब राम जी धनुष तोड़े थे तो 10,000 राजाओं ने मिलकर के क्या किया था भैया शशि? युद्ध करेंगे। जिसने धनुष तोड़े ना उससे युद्ध करेंगे। तो अब पूछा गया, भाई अब 10,000 राजा लोग अब जीत हम लोग जाएंगे तो फिर कैसे होगा, विवाह कौन करेगा? बोले फिर आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे और जो आखिरी में जीतेगा वो ब्याह करेगा। अपना अपना खिचड़ी सब पका रहे हैं, लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जो चाहते हैं वही तो होने वाला है। आए मंजू जी बहुत पीछे बैठी हुई है, कोई बात नहीं अंदर आ जाओ, सामने आ जाओ। और क्या हुआ, पीछे जो रुद्र के दुई घंटे है ना, अरे भैया बोले जाओ देवऋषि नारद, बोले अपना मुख तो जरा देखो कैसे लग रहे हो। देवऋषि नारद, अब भाई अब शीशा वगैरह तो था नहीं, हुआ पास में एक जलाशय था, एक कुआं था जिसमें स्वच्छ जल भरा था। देवऋषि गए और जैसे उन्होंने चेहरा देखा खुद डर गए, अपने आप को देख करके देवऋषि नारद चौंक गए। और तब उसी समय दोनों गणों को उन्होंने श्राप दे दिया, बोला क्या, हुईम हो निसाचर जाय तुम कपटी पापी दो। दोनों कपटी पापी, हसियो हमी सोले फल, बहुरी हसियो मुनि को इतना दंड दूंगा तुम दोनों को कि फिर कोई साधु पर तुम लोग हंसोगे नहीं। अब नारद जी साधु कठोर थे ना, लेकिन क्या करे, प्रभु की माया को कौन समझे। और क्या हुआ, श्राप दे दिया, बेचारे चरण में पड़ गए, बार बार गिर गिड़ाए कि भाई हमारी मुक्ति कैसे होगी। उसने कहा देव शाप की मरहु जाय, फरकत अधर को पमन माई सदपि चले कमला पति पाही। अरे भागे, बोले कहाँ मिले, क्षीर सागर में लक्ष्मी निवास, वहीं चलेंगे। और जाते जाते श्री हरि ने सोचा ये लक्ष्मी निवास तक आते आते इनका क्रोध शांत हो जाएगा। वो तो चाहते हैं कि नारद जी श्राप दे, नारद जी हमें गालियां दे, नारद जी हमें क्या क्या ना करे। प्रभु ने सोचा हम जल्दी से बढ़ जाते इनकी तरफ, और उन्होंने एक तरफ रथ में ये बहुत विश्व मोहिनी कन्या को बिठाया और एक तरफ श्री लक्ष्मी जी बैठी, बीच में आप स्वयं रथ हाँकने लगे और आ गए देवऋषि के जो पंथ पर देवऋषि जा रहे थे, उसी पंथ पे आ गए, उसी मार्ग में आ गए। अब तो नारद जी को इतना क्रोध था, अब यहां लिखा है पूज्य चरण कि फरकत अधर को पवन माही सदपि चले कमला पति पाही। देहु शाप की मारहु जाय ओहो जगत मोरहु पास चही पंत मिले तरुदारी संगर मासोई
राजकुमारी रमा लक्ष्मी और वही राजकुमारी दोनों साथ में। बहुत मधुर वचन बोला है प्रभु, बोले मधुर वचन सुर साईं, मुनि कहाँ चल बिकल है कि सुनत वचन उपजादि क्रोधा, माया वश न रहा मन मोहा। हरि की माया जो नरक पर छाया हुआ है उस माया के कारण से क्रोध अपने बस में नहीं कर पाया। अब गालियां शुरू किया, कभी सुना कोई संत भगवान को गाली दे? एक आदमी था भगवान को बहुत गाली देता मंदिर में, क्या दिया तुमने मुझे? कुछ भी तो नहीं दिया, ना तो धन दिया, ना तो वैभव दिया, ना गप के पत्नी दिया। लोग बगल बगल में खड़े हैं सुन रहे हैं। तभी एक गाड़ी आई, एक सेठ उतरा, नौकर चाकर संगे, एक जूता लिया, एक माला लिया, एक थाली लिया जिसमें प्रसाद है फल फूल, और आग बबूला हो गया। प्रभु को देख करके कहने लगा, देख उसको तुमने कितना दिया, मुझे क्या दिया? लोग हट गए, भाई ये तो आज भगवान को मारेगा। इतने में एक और गाड़ी आई, ड्राइवर महोदय उतरे, पीछे के पल्ला खोला, दरवाजा खोला, एक आदमी को उठाया उसने, जिनके ना तो हाथ थे ना तो पैर थे, उसको उठा करके ला करके श्री भगवान के पास में बिठा दिया। वो बिना हाथ पावाला कोशिश कर रहा था कि मैं अपने चरणों, अपने मस्तक को भगवान के चरणों में लगा दूं। एक प्रयास किया, दो प्रयास किया, तीन प्रयास किया, ऐसे 15-20 प्रयास के बाद में उसके मत्था जो ना भगवान के चरण पर जब पहुंची तो लोग अश्रुपात तो हो गए, और जो ये गालियां देता था भगवान को उसने कहा, धन्य है प्रभु, धन्य है, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ तुमसे, कम से कम दो हाथ तो दिए, कम से कम दो पैर तो दिए, ना भगवान पर क्रोध आवे ना। तो हमसे जो पिछड़े वाले होते हैं उनको देखो, हमसे आगे वालों को नहीं देखो कभी। और देवऋषि नारद कहते हैं, पर संपदा सको नहीं देखी तुम्हारे ईर्ष्या कपट विषय की, मथत सिंधु रुत्री ही बहुरायो हूँ सुरण प्रेरी दुष्पाल कराए। अरे तुम क्या दूसरे की संपत्ति देख नहीं सकते? तुम नारद बोल रहा है, नारद ऋषि बोल रहा है। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी निकली तुम लेकर के चले गए, ऋषि निकला तुमने शंकर भगवान को मिला दिया। और गालियां सुनोगे? बहुत गालियां दिया, अच्छा नहीं लगता नारद जी गाली दे रहे भगवान को। उनका अग्र रामायण की कथा है, परम स्वतंत्र आप ही चढ़ हो, आपके ऊपर कोई बोस नहीं है, आपके ऊपर कोई हुक्म करने वाला नहीं है, आप स्वयं का मालिक हो, इसलिए स्वतंत्र हो। भाव ही मन करा हो तुम सोई, जो तेरे मन कहता वही करते हो तुम, भले ही मन मन नहीं मन कर समय हर से घर हो। कपिया करती तुम अच्छी रहा
तुमने मुझे एक नारी के वियोग में इतना तड़पाया है ना, तुम भी जब नर तन धारण करोगे तो ऐसे तड़पोगे। और ये जो कीश यानी बंदर का रूप तुमने मुझे दिया, यही बंदर तेरी सहायता करेगा। प्रभु ने बोला बस हो गया, इतना ही चाहते थे मैं। जब तक नारद जी श्राप न देंगे तो प्रभु आएंगे कैसे? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमान, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, तब तब ले प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि राजा राम राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रामा नाराज कुमारी। प्रभु ने अपनी माया को खींच लिया, जैसे माया को खींचा नहा वहां लक्ष्मी और नहा वहां वो राज कन्या, सिर्फ भगवान। चरण में पड़ गए देवर्षि नारद, प्रभु बहुत भूल हो गई, मैंने बहुत गलत कर दी, मैंने बहुत। तब मुनियति सभी तुम्हारी चरणा गए पाही प्रंतारती हरना, विषहोय मम शाप कृपाला। मेरे श्राप छूटा हो नहीं देवर्षि, मैंने जो दुर्वचन कहे तुम्हें प्रभु सब भूल है, इसलिए हमें बहुत बार सोचनी है ना। हमारे ऊपर तो हरि की माया नहीं है, भगवान ना करे कभी हरि जी हमें माया के बंधन में बांध दे। हरि की माया अलग है, हमारी माया अलग है। हमारे पास बहुत है, माया है, हमारे पास दया है, हमारे पास बहुत सारे है ना, सब देवी लोग हैं, हम लोग उनके वसीभूत होते हैं। लेकिन हरि की माया वो अलग होती है, और हरि माया जब हो तो जन्म हमारा कल्याण होने वाला है। और कहा मैं अब क्या करूं, तो भगवान श्री ने उपदेश दिया, जाओ शंकर जी मेरे अति प्रिय हैं उनका जाप, जप हो जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्रामा, शांति मिलेगी। शंभुनाद के जाप करने से को नहीं शिव समान, प्रिय मोरे असी प्रतीत त्यागु जयन मोरे। ऐसे जान करके शिव जी का नाम जपो, और उधर दो हरि के जो
प्रभु रुद्र के गण थे, उन्होंने भी देवऋषि नारद को चरण में पड़ गए, कहा कैसे उद्धार होगा, कहा कि तुम मैं मारने के लिए निशाचर तो हो गए लेकिन स्वयं श्री हरि अवतार लेंगे। और ये एक और कल्प की कथा है जिस कारण से प्रभु इस पृथ्वी पर आए और बहुत सारे कारण बताए हैं शंभुनाथ भगवान ने, लेकिन हम एक और कारण है प्रभु को इस पृथ्वी पर आने का। कभी आप नैमिषारण्य गए हो, नहीं गए हो तो अगले बार कोविड खुल जाए तो जरूर जाओ, बहुत भला होगा। ये नैमिषारण्य तीर्थ लखनऊ के पास में सीतापुर के, और वहां पर आप देखें कोई पुराण पढ़ो तो वहां लिखा है एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों के माध्यम से प्रश्न पूछा। तो ये नैमिषारण्य तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जहां पर हमारे वेद व्यास मुनि महाराज ने चारों वेद को विभाजित करके 18 पुराण की रचना करी है। ललिता नाम की देवी जब भगवान सदाशिव शंकर भगवती माँ सती के शव को लेकर के कंधे पर भारत का भ्रमण कर रहा था तो जहां जहां मुख्य अंग गिरे वहां पर एक सिद्ध पीठ हुआ और 51 सिद्ध पीठ में से एक ललिता देवी का भी एक मंदिर है जहां पर माँ का हृदय गिरा वो ललिता देवी है। ब्रह्म चक्र जो ब्रह्मा ने भेजा, देवता लोग आए और उसके पीछे पीछे भागते, और ऐसा कथन आया है कि ललिता देवी ने स्वयं उस ब्रह्म चक्र को अपने पास में रोक लिया। तो यह नैमिषारण तीर्थ कैसा है, यहाँ ब्रह्म चक्र है, उनका आप दर्शन करो, माँ ललिता जी की दर्शन करो, स्वयं श्री वेद व्यास मुनि महाराज जी उनके दिव्य आसन लगे हुए हैं जहां उन्होंने करी है अपना विभाजन आदि, वहां भी उनका दर्शन पा करके और थोड़े आगे निकल जाओ तो भगवती गौमती मैया नदी की तट है, और उसी गौमती तट के पास में ही मनु जी और शत्रुपा जी दोनों अपने सब राजपाट को छोड़ करके और आकर के अखंड तपस्या शुरू करी। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ऐसे लग गए भरद्वाज मुनि से याग बल्लभ कहते हैं और माँ पार्वती से शंकर जी कहते हैं, और उधर नीलगिरी पर्वत पर बैठे पक्षियों के राजा गरुड़ से काकभूषण जी महाराज ये प्रसंग सुना रहे हैं। मैं यहाँ बैठा अपने घर में 27 बैलेंस एवेन्यू पापा टोयोटा न्यूजीलैंड से ये कथा मैं रट रहा हूँ, जो लिखा उसको पढ़ रहा हूँ, सुना रहा हूँ। आप सब आए, आप सबका दर्शन मिला, बहुत बहुत धन्यवाद है। पुनः आज भंडारा हमारे उत्तम भैया और भाभी सरोज के माध्यम से हम लोगों को मिलेगा, जिसको हम बड़े ही प्यार से आशीर्वाद के रूप में उसको लें। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी हमारे माताएं जो जो आती हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ, अपना योगदान के न कोई रूप में हमें देते हैं, तो आप सबका प्यार मिलता रहे। यह कथा प्रसंग जो है शेष, आज पांचवी रात्रि है और 3 रात्रि और बची हैं, 3 रात्रि के बाद में हमारा आखिरी दिवस होगा, दिन में भगवान श्री राम जी का प्रकट्य, नवमी तिथि मध्यकालीन में होता है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता,
और तीव्र रात्रि तक, और यह प्रसंग गाई जाएगी। तो कल आपको हम मनु और शत्रुपा जी के अखंड तपस्या का प्रतिफल क्या मिलने वाला है, उस कथा को सुनने के लिए आप जरूर पधारें, और ना पधार सकेंगे तो अपना मुंह आरोहण कर लेना, 7 बजे के आसपास में जरूर हम आ जाएंगे। नमन बेटा की देखसाई कि आज अंकल जी थोड़ा सा डिले है, मैंने सोचा 10 मिनट कर देता हूँ, और 10 मिनट के पहले आ गए हमारे नमन बेटा। थैंक यू शिवन सिद्धाकाल, थैंक यू एवरीबॉडी इस प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने हमें बहुत सहयोग प्रदान करी है, कथा को विभाजित किया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है। कल पुनः फिर हम लोग कम से कम 300 लोगों की माध्यम से कथा शेयर करी गई थी। आज भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि कई लोग के घरों में आपके माध्यम से हमारे व्यासपीठ पर से निकली हुई प्रसंग जो है कई लोग श्रवण करे होंगे। आज की कथा प्रसंग यहीं पर विराम करती है। आरती का तैयारी हम करें, अपने अपने घरों में जो आरती के थाली सजाए हुए हैं प्लीज, कल हमारी कैमरा गिर गई थी इसलिए हमारे यहाँ जो ड्राइवर है थोड़ा पतला है, तो प्लीज आप अपने गाड़ी को संभाल करके लाए, और जब आरती उतारते समय में थोड़ा सा संभाल करके हमारे कैमरा में धक्का ना लगाए, और सब लोग जो जो अपने अपने जहाँ पर भी है, जिस देश में है, जहाँ भी बैठे हैं आप, आरती की थाली लेकर के चले भाव से हम मिल करके श्री रामचरितमानस की आरती करें। आरती श्री रामायण जी की, सुखल सखिता विशेष अरुषार, वरणी पवन सुख कीरत नीति, आरत श्रीरा मायन जी, आरती चिरिया मवन जी, तीरत करी कविता सिराती, आरती श्री रामायण जी कीरत करी कविता सियाती, आरती की गई हनुमान दुष्ट गला रघुनाथ कला,
अंजनी को संतन के प्रभु सदा सहाय देवी रघुनाथ पठाए लंकाचार सियास दिलाए लंका सो समुद्र सिखाए जातो पवन सुखो बार नलाई लक्ष्मण मूलचित पड़े सकार रायस जीवन लखन जिया जो हनुमान जी की आरती गावे यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि रमया दत्ता गृहेणां परमेश्वर आचमनीयं प्रतिग्रहतां गुरु श्री रामचंद्र भगवान की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते मास्टर शंकरन जी एक अनुरोध है आप एक मिनट के लिए बैठ जाएं कैमरा को मास्टर जी की तरफ ऐसे थोड़ा से घुमा देंगे और मास्टर जी हमारे बीच में दो शब्द आशीर्वाद का हम सब के लिए कहे पूज्यवर पूज्यवर हमारे पंडित जी जितने श्रोता हैं आप सभी को मैं हार्दिक स्वागत करते हुए और जय श्री सीताराम कह रहा हूँ। आज की जो कथा पंडित जी द्वारा हुआ है ये बहुत ही सुंदर ढंग से हमको जो रामायण की पाठ है जिनमें से जो कथा है और राम की जन्म के अवसर पर जो वाक्य हमको सुनाए हैं जो कथा सुनाए है ये बहुत ही सराहनीय है और ऐसा मालूम पड़ता है कि हम वही भगवान के चरणों में हैं और यहाँ तक कि हम उन्हीं की राह पर चलने के लिए हमें जो बातें बतलाई गई हैं जिस प्रकार से राम जी अपने
आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श मित्र, आदर्श पति के रूप में कार्य को किए हैं। उसी प्रकार से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी उसी प्रकार से जो राम का जो पद है उसको अपनाना चाहिए, और हमें ताकि उसकी कृपा से हमारा जो जीवन है ये सुख और शांति में व्यतीत होवे। और इस के लिए मैं आप सभी को भी आज आने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कर रहा हूँ, और आप लोगों की सहायता से जो आज का जो पाठ हुआ है ये बहुत ही सफल सिद्ध हुआ है। और ईश्वर से यही विनती है, प्रार्थना है कि उनकी कृपा सभी पर रहे, सभी धर्म के जो मार्ग है उस पर हम चले और अपने जीवन को सफल बनाएं। और एक बार फिर से सभी को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर श्री, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद मास्टर श्री, बहुत धन्यवाद हमारे उत्तम भैया जी, भावी श्री सरोज जी, आज के मुख्य यजमान के रूप में आप आए और हमें योगदान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।